नमस्कार छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नवीं कक्षा के लोक भारती से ली गई पहली कविता चांदनी रात, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरी गांव झांसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। मैथिली शरण के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृत तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, महाकाव्य और पंचवटी इत्यादि। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का ही एक अंश है। इस कविता का वर्णन उन्होंने किया है कि जब रामचंद्र जी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उन्होंने नासिक के एक वन में कुछ दिन विश्राम किया था, और उसी दौरान जो पूर्णिमा की रात हुई है, उसी रात का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चार मीन्स होता है सुंदर, जल थल, जल मीन्स पानी, थल मीन्स जमीन, अवनी मिस धरती, अंबर मिस आकाश। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वह जलथल में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, बहुत ही सुंदर एक चांदनी अवनी और अंबर तल में बिछ गई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक मीन्स खुशी, हरित मीन्स हरा, तृण मीन्स घास, तरु मीन्स वृक्ष, मंद मीन्स धीमी गति से हवा चलना, पवन मीन्स हवा, धीमी गति से हवा चलना। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, ऐसा लग रहा है जैसे धरती बहुत खुश है, मानो धरती भी बहुत खुश हो गई है और वो अपनी खुशी हरे तृणों के, हरे घासों के नोकों पे जो ओस की बूंदें पड़ती हैं उनसे अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तर भी, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पौधे भी मंद पवन के झोंकों से, पेड़ पौधे भी धीमी धीमी हवा चल रही है और वो भी अपनी खुशी छलका रहे हैं, वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या ही ये है स्वच्छ चांदनी, है यह है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कवि जी कहते हैं कि यह कितनी स्वच्छ चांदनी है, यह कितनी शांत रात है, यह रात कितनी शांत है और कितनी सुंदर यह चांदनी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सुमंद में सोता है धीमी धीमी मध्यम मध्यम गंध में खुशबू, जैसे धीमी धीमी खुशबू चारों ओर, निरानंद है कौन दिशा, ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर धीमे धीमे खुशबू फैल रही है और निरानंद है कौन दिशा, और सारे चारों दिशाएं एकदम आनंदमय हो गई, कोई भी निरानंद नहीं है। निरानंद में सोता है आनंद रहित, कोई भी आनंद रहित नहीं है, चारों दिशाएं बहुत खुश हैं, चारों दिशाओं में लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि जी कहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, उन्होंने नटी का वहां वर्णन नृतक से किया है कि नियत जो मन बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। उन्होंने कहा है प्रकृति अपना कार्य करती ही जा रही है, अपनी जो कार्यकलाप है वो कर रही है, वह भी बंद नहीं है। जैसे सारे प्राणी अपना काम करके सो जाते हैं, लेकिन प्रकृति 24 घंटे अपना कार्य करती रहती है, उनका प्रकृति का अंग अपना अपना कार्य करता रहता है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन वह कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप, कितने चुपचाप से वो अपना कार्य करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सीने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि कहते हैं
कि जैसे ही रात होती है धरती पर सब सो जाते हैं, वसुंधरा मीन्स धरती, धरती पर सब सो जाते हैं तो आकाश में चांद तारे ऐसे बिखर जाते हैं जैसे मोती। उन्होंने यहाँ पे चांद तारों का वर्णन मोती से किया है, जैसे मोती बिखर जाते हैं ऐसा ही लगता है। और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जैसे ही सुबह होती है रवि उनको बटोर लेता है, उनको लुप्त कर देता है, वह आकाश बादलों में उनको छुपा देता है। जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही रवि अपना प्रकाश फैला देता है और जो आकाश में चांद तारे रहते हैं उनको लुप्त कर देता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तन जिसके जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विराम दायिनी मीन्स होता है विराम करने वाली, संध्या में श्याम, श्याम मीन्स काला। तो जैसे ही शाम होती है वैसे ही सूर्य क्या करते हैं, वह अपना जो संध्या रहती है विराम दायिनी को, संध्या को वो दे जाते हैं कि अब आप ये शाम को, अब रात को हवाले उनके कर देते हैं और बोलते हैं कि अब रात को बोलो कि वह अपना नया रूप छलकाता हुआ आए। उन्होंने सूर्य जब जाने लगते हैं तो वह संध्या को बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ विराम के लिए, अब आप अपना नया रूप आकाश में छलकाओ। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी में सोता है पांच वृक्षों वाला, पंचवटी मीन्स होता है पांच वृक्षों वाला, छाया मीन्स छाया देने के लिए, सुंदर मीन्स खूबसूरत, पर्ण मीन्स पत्ता, कुटीर मीन्स झोपड़ी, शिला मीन्स पत्थर, निर्भीक मीन्स निडर। तो पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पांच वृक्षों की छाया में एक बहुत ही सुंदर पत्तों से एक झोपड़ी बनी हुई है, और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसके सम्मुख शिला पर पत्थर पे एक निडर दृढ़ निश्चय वाला एक निर्भीक यह सन्यासी कौन खड़ा है, एक सन्यासी खड़ा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर में सोता है तीर चलाने वाला, भुवन मीन्स धरती, कुष्मायुध कामदेव, योगी सा मीन्स जिसको देश दुनिया संसार से कोई लेना देना ना हो, दृष्टिगत मीन्स दिखाई देने वाला। तो जाग रहा है कौन धनुर्धर, कौन धनुर्धर तीर चलाने वाला जाग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। यह भोगी, यह कुष्मायुध कामदेव जैसा सुंदर योगी सा वस्त्र धारण किया हुआ यह वहां पर कौन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सन्यासी है जो बहुत सुंदर है और जो बहुत दृढ़ निश्चय वाला है। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि प्रकृति, सब लोग अपना कार्य करते हैं और विश्राम करते हैं, लेकिन प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, वह कभी विश्राम नहीं करती है चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वह अपना कार्य करते रहती है। तो उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मानव जाति को बताया है कि चाहे कैसे भी हमारे हमारे कैसे भी वातावरण हो या कैसा भी हमारे ऊपर संकट आए, लेकिन हमें अपना कार्य नियत करते रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो अभी हम इस कविता के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। यह है कठिन शब्द जो इस कविता से लिया गया है, जो मैंने आप लोग के लिए राइट किया है, आप नोटबुक में लिख के उसको लर्न कर सकते हैं। यह है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला संजाल पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, हमको तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना करके बतानी है, जो कि इस कविता में है, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर टू,
चांदनी रात की विशेषताएं, आपको यहाँ पे चांदनी रात की विशेषताएं बतानी है, जो कि मैंने यहाँ पे 5 आपको विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में आए शब्द युग्म लिखिए। बच्चों पहले समझ लीजिए कि शब्द युग्म होता क्या है। शब्द युग्म होता है जैसे हमें जो बातें सुनने और बोलने में एक जैसी लगती है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, ये सब जो हम अपने आम दिनचर्या में भी यूज करते हैं। तो जैसे कविता में भी कुछ ऐसे शब्द हैं, जल थल, स्वच्छंद सुमंद, कार्यकलाप, धीर वीर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द होता है किसी चीज का विपरीत, उल्टा। जैसे अच्छा बुरा, सोना उठना, ये सब क्या है, विलोम शब्द। क्वेश्चन, ऐसे कविता में भी कुछ वर्ड्स हैं, स्वच्छ अस्वच्छ, चंचल स्थिर, धरती आकाश, सुबह शाम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। चार चंद्र की चंचल किरणें, और क्या ही है, स्वच्छ शांत और चुपचाप। जैसा कि मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन किया है अर्थ उसका बताया, आपको अपने शब्दों में इसका भावार्थ राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जैसे तरु, वर्ड के कई मीनिंग, एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे तरु को हम वृक्ष, पेड़, विपट बोलते हैं। चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंदु। वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, भूमि। कृषक, किसान, अन्नदाता, हलधर। उद्यान, बगीचा, उपवन, वाटिका। अरण्य, जंगल, वन, विपिन। ये हमारे पर्यायवाची शब्द जो इस कविता में है। असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। हम ये इसको शो मत करना है, आप अपने शब्दों में इसको राइट कर सकते हैं कि प्रकृति हमारे मित्र कैसे है। आपको अपने शब्दों में लिखना है, जिसको हम बोलते हैं स्वमत, अपना मत देना आपको। तो बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसको नोटबुक में राइट करिए और लर्न कीजिए, और इस कविता को भी लर्न कीजिए।